ऐशबाग इलाके में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने नाबालिग से इंटरनेट मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती कर उसके साथ होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। बाद में वह उसका शोषण करने लगा। पुलिस ने शिकायत के बाद केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ऐशबाग थाना प्रभारी जितेंद्र गंडवाल ने बताया कि नाबालिग लड़की के साथ एक युवक ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती की थी। दोस्ती करने के बाद मोबाइल नंबर आदान प्रदान किया गया। लड़के ने नाबालिग लड़की को अपना नाम करण बताया और उसको बहला फुसला कर नजदीक के होटल में ले गया, जहां उसके साथ गलत काम किया। किशोरी ने जब उससे बातचीत करना बंद कर दिया तो आरोपी लड़की के माता पिता को जान से मारने की धमकी देने लगा। परेशान होकर पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। उसके बाद परिजन उसे लेकर ऐशबाग थाने पहुंचे, जहां दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। नजदीकी ग्राम से एक सूचना प्राप्त हुई कि नाबालिग बच्ची के साथ इंस्टाग्राम पर किसी व्यक्ति द्वारा दोस्ती की गई और उसका मोबाइल नंबर आदान प्रदान किया गया। मोबाइल नंबर के आधार पर लड़की ने अपने आप का नाम करण बताया और बैला फौसला गई नजदीकी होटल में ले जाकर उसने गलत काम करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। आरोपी तलाश लगातार जारी है। अभी केवल हमारे पास मोबाइल नंबर है, उसका नाम केवल है। अभी जानकारी प्राप्त की जा रही है आरोपी कहाँ का है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।